हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, मेरे पास एक सेट है रेडमी का, रेडमी 6 6A भी बोल सकते हैं इसका, 6A का। ये दोनों का मेथड सेम रहेगा। इसमें देखिए, फैक्ट्री सेट करने के बाद इसमें FRP लक लगा हुआ है, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसका FRP लक रिमूव कर सकते हैं विदाउट PC के। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और मेरे वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिए, क्योंकि मैं इसमें एक न्यू ट्रिक बताने वाला हूँ आपको MI का FRP रिमूव करने के लिए। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और सबसे पहले आपको मैं चेक करा देता हूँ इसमें FRP लगा हुआ है या नहीं। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबल ना हो तो आप मोबाइल हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, तो हम वेट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर वेरीफाई योर अकाउंट के लिए बोल रहा है, यानी कि इसमें अकाउंट वेरीफिकेशन के लिए बोल रहा है। तो हमको इसका वेरीफाई अकाउंट हमको मालूम नहीं है। विदाउट PC का मेथड बताऊंगा, तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, वेरीफाई योर अकाउंट के लिए बोल रहा है, यानी कि जो इसमें जीमेल अकाउंट होगा उसको वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो हमको ये मालूम नहीं है, तो अब मैं आपको यहाँ पर वेरीफाई करने का तरीका बताऊँगा। तो आपको बैक आना है और यहाँ पर अपने फ़ोन को यहाँ पर जो हमने वाईफाई कनेक्ट किया था उसको यहाँ पर डिसकनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर डिसकनेक्ट कर देता हूँ और आपके यहाँ पे स्किप करना है और यहाँ पे स्किप करना है, फिर से स्किप करना है। तो यहाँ पे देखिए, ओनली स्क्रीन लॉक है यहाँ पे, तो इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पैटर्न, पिन, पासवर्ड कुछ भी यहाँ पे चूज़ कर लेना। तो मैं यहाँ पे पैटर्न चूज़ कर लेता हूँ। तो हमें कोई भी यहाँ पे सिंपल सा मैं यहाँ पर पैटर्न चूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं L ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर से यहाँ पर कन्फर्म करना है, तो यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग आएगा, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट नहीं करना है, आपको बैक आना है, वाईफाई वाले सेक्शन पे आइए। तो यहाँ आपको फिर से आपको वाईफाई को यहाँ पे कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ये बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कनेक्ट भी हो चुका है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, अनलॉक फैक्ट्री सेट है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर जो आपने पैटर्न चूज की वहाँ पे सेट किया था, वही पैटर्न को यहाँ पे ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे, तभी जब मैंने आपको यहाँ पे चेक कराया था इसमें FRP लक लगा हुआ है नहीं, तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा था, मगर यहाँ पे देखिए स्किप का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको यहाँ पर सिंपली स्किप पर क्लिक करना है। यहाँ पर गूगल एंड सर्विसेस है, तो आपको यहाँ एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर नो थैंक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, MI अकाउंट के लिए बोल रहा है, तो आपको स्किप करना है। यहाँ पे अभी यहाँ पे एडिशनल सेटिंग है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे देखिए, चूज अ थीम, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और सेटअप कंप्लीट पे यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो हमारा यहाँ पर देखिए FRP लक सक्सेसफुली यहाँ पर रिमूव हो चुका है विदाउट PC के, सिर्फ एक सिंपल ट्रिक से। आपको ना ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ी, ना ही ब्राउज़र ओपन करने की, ना ही कोई जीमेल अकाउंट की। तो इस सिंपल ट्रिक से आप किसी भी रेडमी 6A 6 का, रेडमी 7 7A का आप FRP रिमूव कर सकते हैं। जितना भी MIUI वर्जन 10 का जितना भी फ़ोन रहेगा MI का, सब इसमें सब यही मेथड से आप इसका FRP रिमूव कर सकते हैं, वो भी विदाउट PC के। तो ये मेरा सिंपल ट्रिक कैसा लगा दोस्तों? अगर ये मेरा ट्रिक अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और ऐसे इन्फॉर्मेशन ट्यूटोरियल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।